आए भाई हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम ये इंजेक्शन दादी को लगाएंगे। दादी लेटी हुई हैं अभी, तो दादी काफ़ी दिन से बीमार हैं, लेकिन अब इस समय दादी ठीक हो ना? हाँ, दादी की तबीयत ठीक है, इंजेक्शन दादी को लग रहा है बरोबर। तो दादी की तबीयत इस समय ठीक है, ये इंजेक्शन दादी को लगेगा। दोस्तों वीडियो में देखते रहिए, और दादी को हम नस में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको जो इंजेक्शन लगाना हो वह आप ले लीजिए। दोस्तों मैंने पहले से इंजेक्शन ले लिया है, इंजेक्शन को एम्पुल वाला इंजेक्शन, उसका एम्पुल तोड़ दिया हूँ। तो अब इंजेक्शन देखिए लोड कर रहा हूँ। लोड करते समय दोस्तों इंजेक्शन इधर उधर कांच में टच होने ना पाए, तो आप आसानी से लोड करिए। दोस्तों मैं दो इंजेक्शन लगाऊंगा, इंजेक्शन के साथ एक वाटर भी ऐड कर रहा हूँ। वाटर ऐड करने के बाद मैं दोनों इंजेक्शन दादी को एक साथ आईवी लगाऊंगा। तो दोस्तों जितना ज़रूरी है उतना वाटर मैं ले लेता हूँ। कोई भी इंजेक्शन लगाना हो आप अपने हिसाब से वाटर ले लीजिए। तो जो ये वायल इंजेक्शन है उसमें आप रबड़ के बीचों बीच में आराम से धंसाइए। आराम से धंसाने के बाद इस तरह से आप हिलाते रहेंगे, तो जब दवा और वाटर जाता है अंदर तो दवा का थक्का बन जाता है। हिलाते वक्त दवा का थक्का नहीं बनता है, तो इस तरह से आप दवा को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि इंजेक्शन लगाते समय पेशेंट को दर्द उर्द ना हो। अच्छे से जब मिक्स हो जाए तब इंजेक्शन आप लोड करिए। निडिल उसमें निकालना नहीं है, उसी में रहने देंगे, तो निडिल की जो पॉइंट है वह मिस नहीं होगी। और उसके बाद इंजेक्शन आप अपने सिरिंज में लोड कर लीजिए। जिस तरह से मैं लोड कर रहा हूँ आप लोड कर लीजिए आसानी से। अब देखते रहिए, जहाँ इंजेक्शन लगाना हो आप कार्टन वोटन ले लीजिए। कार्टन में स्प्रिट या अल्कोहल आप लगा दीजिए, ताकि पेशेंट को जहाँ इंजेक्शन लगाना हो वहाँ लगाएंगे। और तो दादी को इंजेक्शन तो लगाना ही है, अब दादी का देखेंगे नस वस मिलता है कि नहीं। नस वस जहाँ मिलेगा वहीं दादी को इंजेक्शन लगेगा। तो इंजेक्शन दादी को लगाएंगे, दिखाओ दादी। दादी का इंजेक्शन लगेगा, लेकिन दादी का नस थोड़ा कम दिख रहा है, इसलिए अब हम इनसे पकड़वा दिए हैं, एक भाई साहब हैं, और इस तरह से थोड़ा सा फील उल कर देंगे जहाँ अच्छे से नस वस दिख रही हो वहाँ को। इनको हाले स्प्रिट के माध्यम से उस एरिया को क्लीन कर दीजिए, ताकि जो बैक्टीरिया हो सब नष्ट हो जाए। वहाँ नस दिख रही है, अच्छे से फील कर लीजिए। बीचों बीच में आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, इस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ। तो इंजेक्शन सीधा लगाइए और हल्का सा अपने साइड खींचिए। अगर ब्लड आ रहा है तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से नस में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंजेक्शन स्लोली स्लोली लगाइए, बहुत फास्ट मत लगाइए, नहीं तो पेशेंट को दर्द होगा, चक्कर भी आ सकता है, कुछ और समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप पेशेंट को इंजेक्शन स्लो ही लगाइए, ताकि कोई दिक्कत ना हो पेशेंट को। तो दोस्तों मैं दादी को इंजेक्शन लगा रहा हूँ। थोड़ा सा दादी को हाथ में दर्द उर्द हो रहा है, क्योंकि जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है जब दवा जाती है वेन में। तो दोस्तों इंजेक्शन लगाने के बाद कार्टन वहाँ रख दीजिए। तो दोस्तों फाइनली दादी को इंजेक्शन लग गया। इस तरह से नस में इंजेक्शन लगाया।